हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आई एम मुनेश कुमारी, चीफ मेंटर एंड सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यु आईएएस, टीचिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस हाउ यू कैन लर्न मैथ्स इन द इजीएस्ट वे, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। इन दैट केस यू कांट इग्नोर मैथ्स, बिकॉज सीसेट के अंदर मैथ्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये कहते हैं कि मैथ्स हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है, रीज़न बीइंग कि हमारा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है। मैथ बैकग्राउंड नहीं है मींस कि टेंथ के बाद से उन्होंने मैथ्स नहीं किया। बट मैं ये कह रही हूँ कि मैथ्स अगर हम यूपीएससी की बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर बेटा मैथ्स जो है वो टेंथ क्लास के लेवल का आता है, यही लिखा होता है सिलेबस में भी, टेंथ क्लास के लेवल का मैथ्स आता है। बट हम फिर भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि हाँ जी मैथ्स डिफ़िकल्ट है और हमें मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करना ऐसा लगता है कि हाँ जी दिस इज़ लाइक ए पज़ल, नहीं हो पाएगा मुझसे, ठीक है ना, इस तरह से। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो अपने मन से हमने ये निकालना है कि हाँ जी मैथ्स हमसे नहीं हो पाएगा, ओके। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्पेशल मेरा मेन मोटिव यही है कि अभी जैसे कि 20th से अपनी क्लासेस शुरू होनी है तो उससे पहले अपना हमने माइंड बनाना है कि हाँ जी मैथ्स मेरे लिए इजीएस्ट पार्ट है, मैंने इसको इजीएस्ट बनाना है, ओके। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इजीएस्ट क्यों बनाना है, रीज़न बिंग कि हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। हमें पता है कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैथ्स। अब अगर मैं यूपीएससी सीसेट के अंदर प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखूं तो आपने देखा होगा हाँ जी 2015 से 2022 तक का सारा एनालिसिस कर लेते तो जीएस पेपर 2 सीसेट के अंदर मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2015 के अंदर बेटा 24 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए थे, 2016 में 27 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे, 2017 देयर वर 22 क्वेश्चंस, 2018 27 क्वेश्चंस, 2019 26 क्वेश्चंस, 2020 देयर वर 41 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके। एंड इन 2021 देयर वर 33 क्वेश्चन। एंड अभी जो 5th जून को एग्जाम हुआ है 2022 का, उसके अंदर 38 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आए हुए थे, यानी कि मैथ्स के आए हुए थे। दैट मीन्स दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स प्लेज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पता है कि जब तक मेरा सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं आगे बढ़ सकता, ठीक है। मेंस में हम तभी जाएंगे जब हमारा सीसेट भी क्वालिफाई होगा और हमारा जीएस का भी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तभी हम मेंस दे पाएंगे। तो उसके लिए बेटा सीसेट इम्पोर्टेंट है और सीसेट के अंदर से मैथ्स का पार्ट अब आप देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है, ओके। और दूसरा ये है कि मैथ्स करना और क्यों ज़रूरी है, इसका रीज़न एक ये भी है। अब पेपर के अंदर तो इंग्लिश भी आता है आपके पास में, यस इंग्लिश भी आएगा आपके पास, लॉजिकल रीजनिंग भी आएगा, ठीक है। अब इंग्लिश एक ऐसा पार्ट है आपके पेपर का जिसके अंदर जो क्वेश्चंस है उनके अंदर आपका डाउट रह जाता है कि कहीं ना कहीं कि मैंने करेक्ट किया है कि नहीं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एक आंसर नहीं निकल के आ पाता है। बट लॉजिकल जो आपके पास में मैथमेटिक्स है, जब मैथमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम जब आप देखते हो तो उस केस के अंदर एंड में आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन के बाद में आपके पास में एक आंसर आ गया और वो आंसर अगर आपका आ गया दैट मीन्स कि हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ जी हम एग्ज़ाम के अंदर करेक्ट करके आए हैं। दैट मीन्स कि जो एक्यूरेसी है आपके एग्ज़ाम के अंदर, अगर आप क्वांट का पार्ट अच्छे से कर लेते हो, मैथ्स का पार्ट अच्छे से कर लेते हो तो उसके अंदर एक्यूरेसी अपनी बढ़ जाती है, ओके। दूसरा LR लॉजिकल रीजनिंग के तो बेटा क्वेश्चन यस ईजी है लॉजिकल रीजनिंग, बट सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ पे तो हम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। लॉजिकल रीजनिंग के आपके जैसे इस बार थे ओनली 16 क्वेश्चंस वर फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, ओके। मींस कि जो सबसे कम क्वेश्चन थे वो लॉजिकल रीजनिंग के ही आए हुए थे। दैट मीन्स कि किसी भी हाल में हम मैथ्स को नहीं छोड़ सकते। तो जब हमें पता है कि इतना इम्पोर्टेंट है देन हमें करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने माइंड में ये बात फिट कर लीजिए कि हाँ जी मैथ्स हमने करना है, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या है कि सबसे पहले
ये पता होना चाहिए कि अगर मैथ्स डिफिकल्ट है तो इस पॉइंट को बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए। बेटा डिफिकल्ट कब तक है, कब तक है डिफिकल्ट? जब तक हमें नहीं आता तब तक ही डिफिकल्ट है। अब देखिए, जब हम एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे हाँ जी जैसे छोटा बच्चा होता है, तो अगर हम उसको स्टार्टिंग में कहते हैं कि बेटा ए लिखना है, ए लिखना है, और हम क्या करते हैं उनको स्टार्टिंग में ये तीन डॉट बना के दे देते हैं, है ना, कि भाई ए बनाना है, तो उनके लिए ये ए बनाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहेंगे, और क्या कहेगा बच्चा अपनी मॉम को कि मॉम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं करता या मैं नहीं करती, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं उसको, हाँ जी, हम उसका हाथ पकड़ के क्या कहते हैं, नहीं इसको इसके साथ में ऐसे मैच करो, देन इसको इसके साथ ऐसे मैच करो, ये मैच करो, बन गया, देखो कितना इजी है। और फिर हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि हाँ जी देखो ऐसे नहीं बन रहा, ये तो जोकर बन गया इस तरह से, है ना। तो इस तरह से दैट मीन्स वट कि हमने सिखाना है, सीखना है, हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे से कर लेंगे। सिर्फ इतना ही डिफरेंस आ जाता है कि हाँ जी थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग वे से कर लेंगे, बट फाइनली यू हैव टू डू इट। सो सबसे पहले अब यहाँ पे देखो कि जब हमें ये ए बनाना था तो उस केस के अंदर हमें क्या लग रहा था, डिफिकल्ट था ये, ठीक है। बट उसके बाद में जब हमें एक सिंगल अल्फाबेट पता है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ए से हम एप्पल लिखना भी सीख जाते हैं, ठीक है। और जब हम एप्पल लिखना सीखे, मींस कि हमें पहले एक लेटर भी नहीं आता था, उसके बाद में हमने क्या सीखा, हाँ जी लेटर के बाद में हमने क्या करा, उसे वर्ड्स भी हमने बनाने सीख लिए उसके बाद में। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट प्रोसेस वाज कि हाँ जी सेंटेंसेस, यस हम ये कह सकते हैं दिस इज एन एप्पल, ओके, सेंटेंसेस देन पैराग्राफ्स, ओके। तो इस तरह से हमें जब हमें पैराग्राफ बनाना आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल नाउ आई कैन राइट पैराग्राफ इन इंग्लिश, देन अब अगर मुझसे कोई कहता है हाँ जी जस्ट राइट ए, तो मैं क्या कहूँगी, दिस इज वेरी इजी, है ना, यही कहेंगे ना, वेरी इजी। दैट मीन्स व्हाट कि जब तक हमें नहीं आता, जब तक हमें नहीं आता तब तक डिफिकल्ट है ना, ओनली कब तक डिफिकल्ट है, जब तक हमें नहीं आता, जब हमें आ गया उस टाइम पे क्या हो गया, यही जो डिफिकल्ट वर्ड है ये किसके अंदर आपका कन्वर्ट हो गया, दिस इज इजी, यस, नाउ दिस डिफिकल्ट बिकम्स इजी, ओके। तो हमने क्या करना, मैथ्स को डिफिकल्ट से इजी बनाना है, डन। अब उसके लिए करना क्या है, अब देखो अभी जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अभी सबसे पहले अगर हम एक सेंटेंस राइट डाउन कर रहे, एक पैराग्राफ राइट डाउन कर रहे, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि सिंगल लेटर कैसे लिखते हैं, यही पॉइंट है कि सिंगल लेटर कैसे लिखेंगे, देन वी देन हाउ कैन वी मेक वर्ड्स फ्रॉम लेटर्स, देन हाउ कैन वी मेक सेंटेंसेस एंड देन टू पैराग्राफ, ओके, दिस इज द पैटर्न। सेम वे मैथ्स मुश्किल कब लगेगा आपको, जब हम क्या करते हैं कि कोई एक हमने बड़ी सी प्रॉब्लम उठा ली, एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन उठा लिया है, और उसके बाद में हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और हमसे नहीं हो पाता, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया मुझसे नहीं हुआ, मैंने सेकंड एक टफ क्वेश्चन उठा लिया मुझसे नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, और फोर्थ क्वेश्चन में हम कहते हैं हाँ जी मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, यही पॉइंट आता है ना। तो ऐसे नहीं करना, दिस इज द रॉन्ग मैथड, कि इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हाँ जी नहीं हो पाएगा। बट व्हाट इज द करेक्ट वे, आपको करना क्या है, सबसे पहले हमने अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है, अपने छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने क्लियर करने हैं, डोंट गो फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस डायरेक्टली, सबसे पहले गो फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक जब भी आप कोई टॉपिक शुरू करते हो सबसे पहले तो बेटा नंबर से शुरू करो, नंबर्स सबसे पॉइंट क्या है, नंबर्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर्स, ओके। तो नंबर से हमने स्टार्ट करना है, देन फर्दर हम बढ़ेंगे नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स पे, देन हम बढ़ेंगे कि क्या क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसके ऊपर बेस्ड आते हैं, फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको सोल्व करना है। सो सबसे पहले जरूरी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ओके, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन गो फॉर द इजी प्रॉब्लम्स, जो इजी प्रॉब्लम्स है उनको हमने करना है, जो लेवल वन की प्रॉब्लम्स है, देन गो फॉर मॉडरेट, ओके, मींस कि लेवल टू की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे, देन गो फॉर द डिफिकल्ट, दैट मींस कि हम करेंगे लेवल थ्री की प्रॉब्लम, ओके, दिस इज द करेक्ट वे। जब आप ऐसे करोगे तो आपको ये, आप ये देखोगे कि हमने ये इजी किया,
पहले हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिया, हमें लगा कि काफी इजी है। उसके बाद जब हमने जो इजी इजी क्वेश्चन है वो किए तो हमें लगा काफी इजी है। फिर जब हम मॉडरेट पे आए तो मॉडरेट को भी हमें क्या लगेगा, यस दिस इज इजी। उसके बाद में क्या है, जब हम आएंगे डिफिकल्ट लेवल पे तो क्योंकि हमें ये भी पता है डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट लेवल जो थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल में क्या होता है कि आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। दिस इज सिंगल कॉन्सेप्ट, पहले क्या करते हैं हम सिंगल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंगल कॉन्सेप्ट को करो, फिर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करो, ठीक है। उसके बाद में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करो, देन जब सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के, तो अगर उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जब आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो अगर वो मिक्स हो गए हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करोगे, आपको वो भी ईजी लगेगा, ओके वो भी आपको क्या लगेगा, ईजी लगेगा। डन, यस। उसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। हमारी आदत होती है कि हाँ जी जो भी छोटी छोटी कैलकुलेशंस है ना तो उसके लिए भी हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं। तो इसलिए कभी भी जब भी आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, जब मैथ्स के आप टर्म्स सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, देन डोंट टच कैलकुलेटर। कैलकुलेटर तो यूज़ करना ही नहीं है, हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। अब आप देखिए कि जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन एक्चुअली ना अपने माइंड में चलती है, अपने माइंड को ही आपको थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव बनाना पड़ेगा। और उस कुछ ट्रिक्स होती है जिससे आप क्या कर सकते हो कि जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो कैलकुलेशन उनको आप फास्ट कर सकते हो, विदाउट पेन पेपर कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, मेनली प्रैक्टिस है। अब जैसे डिफरेंट स्टूडेंट के अलग अलग अप्रोच होती है किसी भी कैलकुलेशन को करने की। तो अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे 65 को मल्टीप्लाई करना है 80 से, ओके। देर आर सम स्टूडेंट्स वट दे विल डू कि इसको 65 को बेटा ऐसे लिखेंगे, उसके बाद दे विल राइट 80 एंड देन दे सोल्व, ओके। तो ये हो गया उनका मेथड, एक ही हो गया। दूसरा इनलाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं वो डायरेक्टली सोचेंगे कि हाँ जी 80 है, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी कैलकुलेशन है जब माइंड में आएगी तो उसी के रिगार्डिंग और बाकी के पॉइंट्स भी डायरेक्टली माइंड में आते हैं। जैसे 65 है, हमें पता है 65 टू से कितना होता है 130, एंड 130 टूजा मैंने ले लिया, दैट मीन्स कि टूजा यहाँ से चला गया आपके पास में, एंड 13 फोर जा कितना होता है 52, ओके। सो आंसर क्या आ गया 52, क्लियर। एक स्टूडेंट रहेगा वो क्या करेगा, इसको वो क्या करेगा, उसको 8 के साथ में मल्टीप्लाई करके करेगा, यस 8 5 40, ओके, एंड 8 6 48 48 एंड 5 52। मीन्स अलग अलग तरीके सभी के करने के। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 2800 है, ओके, एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई इट बाय 25। अब सबका अलग अलग तरीका है, यस वन स्टूडेंट विल डू इसको क्या करेगा 25 से इस तरह से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट वो ये सोचता है कि हाँ जी 25 दिस इज 1/4 of 100, दैट मीन्स वट कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 से दैट मीन्स कि 4 7 20 28, ओके, एंड देन 4 टाइम्स था तो यहाँ पे आपके पास में 2 जीरोज आपके पास में और लग गई है, दैट मीन्स कि कितना हो गया 70,000, क्लियर। तो मैनी डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स फॉर द कैलकुलेशन ट्रिक्स, यू कैन अप्लाई डिफरेंट कैलकुलेशन ट्रिक्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, बट डोंट टच कैलकुलेटर वाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉब्लम्स, ओके, यस। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि प्रैक्टिस, यस प्रैक्टिस तो बेटा मस्ट है। अब जैसे देखो, मान लीजिए आपने मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स कराई, आपको उस टाइम पे समझ भी आ गए, बट आफ्टर दैट यू डिडंट प्रैक्टिस फॉर देम, देन व्हाट हैपन कि आप उनको भूल जाते हो, है ना। सो इसलिए प्रैक्टिस तो मस्ट है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट मैन वोमैन, मीन्स कि मेन क्या है, प्रैक्टिस है, ठीक है। कहते हैं वैसे भी एक दोहा भी है अपना जो बुजुर्गों का, क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम एक बार में नहीं समझ में आ रही है, उसको बार बार रिपीट करो, बार बार उसको रिपीट करो, बार बार उसको प्रैक्टिस करो, देन आप इजीली उसको कर पाओगे, ओके, फाइनली यू विल डू। डन, यस। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आप कोई भी कंसेप्ट कर रहे हो, कोई भी कंसेप्ट कर रहे हो, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्या कर रहे हैं कि एक बुक लेके आ गए और उसके बाद से कोशिश करें कि सारे कंसेप्ट हम अपने आप कर लें, बट ऐसा नहीं होता बेटा। फाइनली क्या है कि कुछ डाउट्स हैं, वो डाउट्स फिर डाउट्स ही रह जाते हैं। कुछ अब बुक है, बुक के अंदर तो हर तरह की प्रॉब्लम्स होती है। अब आप जिस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जाम के अंदर आती है, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, किन क्वेश्चंस को आप डिफरेंट वे से इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो लर्न मैथ्स कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम अ टीचर, ओके। मैं ये नहीं कहती कि हाँ जी मैं ही आप लोगों को
सी सेट के अंदर मैथ्स करवा दूंगी, ठीक है। बट मैं ये जरूर कहती हूँ कि आप कोई ना कोई टीचर को जरूर फॉलो करिएगा, जरूर किसी ना किसी टीचर को फॉलो करना है, सो दैट कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उस टीचर से आप उनको क्लियर कर सको, जो ट्रिक्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वो आप उनसे कर सको। तो इसीलिए कोई ना कोई, अब देखो यूट्यूब पे आप बहुत सारे लेक्चर्स देखते हो, ऐसा नहीं करना कि हाँ जी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे पहले एक टीचर का हमने लेक्चर देख लिया है, ठीक है, फिर हमने दूसरे टीचर का लेक्चर देख लिया है, फिर तीसरे का, और फिर हम कन्फ्यूज हो गए सभी के अंदर, क्योंकि हर एक टीचर का एक अपना अलग तरीका होता है किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए, ठीक है। सभी का एक अपना अपना मेथड होता है पढ़ाने का। अब ये देखिए कि मुझे किससे समझ आता है, मुझे इजीली किससे समझ आता है, जिससे आपको समझ आता है उससे पढ़िए, जिससे आपको समझ आता है उससे पढ़िएगा, ओके, यस। सो स्टूडेंट्स, इसी के लिए अभी हमने यूपीएससी सी सेट के लिए एक फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है, जिसके अंदर वी विल अप्लाई हैंड होल्डिंग अप्रोच, एक एक स्टूडेंट के ऊपर फुली फोकस करना है। इसीलिए हमने बेटा इसके लिए लाइव क्लासेस रखी हैं, लाइव क्लासेस रखी है। इन दिस कोर्स यू विल गेट 100+ लाइव क्लासेस, ओके। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर की क्लासेस भी मिलेंगी 100 क्लासेस के अलावा, ओके, यस। विद ईच क्लास यू विल हैव वेब नोट्स एंड PDF, क्लास PDF विल बी ऑल्सो अटैच्ड, माइक्रो टेस्ट फॉर प्रैक्टिस विद ईच लेक्चर, हर एक लेक्चर के साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट भी मिलेगा। इसके अलावा इसी कोर्स के अंडर आपको 300+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, डन। और स्पेशल डाउट सेशन भी रखे जाएंगे, रीजन बिंग की जो डाउट्स हैं ऑब्वियसली वो तो क्लियर होने चाहिए। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हमारा एक डाउट सेशन रहेगा, फिर एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है देन वी विल हैव ए डाउट सेशन, तो इस तरह से एक स्पेशल डाउट सेशन भी रखा जाएगा, जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा जूम सेशन भी रखेंगे आप लोगों के लिए कि हाँ जी आप लोगों की अच्छे से क्लियरिटी आ जाए, एंड यू विल ऑल्सो गेट ए डेडिकेटेड मेंटर, डन, यस। तो ये सारा हम इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। 20th जून से क्लासेस शुरू हो जानी है, यस, द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 20th जून। सभी ने इसको ज्वाइन करना है, जो जो स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यस। 20th जून 2022 से आपकी क्लासेस शुरू होनी है, एंड द बैच इज स्पेशली फॉर 2023 बैच, सी सेट को फोकस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमको 2023 बैच के लिए फाउंडेशन बैच है। जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई है मेन, उसी की तरह से ही हमने चलना है, बिल्कुल हैंड होल्डिंग अप्रोच रखेंगे आप लोगों के साथ में, एक एक पॉइंट पहले इजी से शुरू करेंगे, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करवाएंगे, जैसे सी सेट के अंदर बेसिकली क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के ऊपर हमने फोकस करना है कि कैसे उनको आपने सोल्व करना है, डन, यस। तो उसके लिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट, दैट इज़ abhipedia.abhimanyu.com। जो लाइव कंप्लीट कोर्स है जो कि 20th जून से जिसकी क्लासेस शुरू होनी है, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन गो ऑन दिस लिंक, ओके। तो आप वहां से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर फ़ोन नंबर अवेलेबल है, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कैसी भी क्यूरी है कोर्स से रिगार्डिंग, ठीक है, सी सेट से रिगार्डिंग, इन दैट केस यू कैन कॉन्टैक्ट, ओके। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टूडे। तो मैथ्स बिल्कुल भी किसी ने नहीं घबराना है, सभी ने मैथ्स की क्लासेस ज्वाइन करनी है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुडे। अभी लिंक अवेलेबल है, ओपन हो गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, आप रजिस्टर कर सकते हो। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।